हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? और ये जो आप मॉडल देख रहे हैं यहाँ पे नीचे साइड में जो रखा हुआ है, TSLT 35A मॉडल है। 10,000 लूमिनेंस की ब्राइटनेस है, फुल HD 1080p नेटिव है, अप टू 4K 8K वीडियो सपोर्ट है HDMI से, और डायरेक्ट भी आप USB से इसमें 2TB का हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्टर जो है मैंने ऑन कर दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये जो स्क्रीन साइज़ आप देख रहे हैं, 170 इंच का स्क्रीन साइज़ है। प्रोजेक्टर पूरा फुल 600 इंच तक का स्क्रीन साइज़ बनाता है। ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है अभी, तो अभी जो है ये पूरा फुल आउट जा रहा है प्रोजेक्टर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टर जो है फुल आउट हो रहा है स्क्रीन से, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहले मेरा स्क्रीन जो है 213 इंच का ही था, बट अभी मैंने इसको क्या छोटा कर दिया है स्क्रीन को। प्रोजेक्टर एंड्रॉयड 9 है, 1GB रैम है, 8GB रोम है, और डिजिटल 4D की स्टोन वगैरह सभी फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए काफ़ी बड़ा चल रहा है यहाँ, लेकिन मैंने पूरा ब्लैकआउट कर दिया है साइड में, और स्क्रीन पे थोड़ा लुक देकर छोटा कर दिया है 170 इंच का। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको जो है हम इसकी सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे आपको इसमें डिजिटल 4D कीस्टोन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप स्क्रीन जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ ऊपर साइड में आप देखेंगे साइड्स दिया हुआ है, यहाँ कॉर्नर्स कर लेना है हमें। कॉर्नर्स करने के बाद में आपको देखिए इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन जो है बिल्कुल जितना बड़ा आपका स्क्रीन है ना, उतने बड़े पे आप स्क्रीन करके, और देखिए मैं पूरा आपको सेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर आप बिल्कुल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन इन प्रोजेक्टरों में मिल जाता है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा इसमें एक्सपीरियंस होगा आपको। देखिए पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर जो है मैंने प्रोजेक्टर स्क्रीन सेट कर दिया है बिल्कुल। ओके, तो ये जो है मैंने पूरा फुल स्क्रीन यहाँ सेट कर दिया है कॉर्नर टू कॉर्नर। अभी आप देख पाएंगे कि इसका जो है बिल्कुल, एक सेकेंड मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए स्क्रीन पूरा सेट कर दिया है मैंने, जो कि अब बिल्कुल मेरा जो स्क्रीन 170 इंच का है उतना कर दिया है, और आप क्लियरिटी देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये देखिए क्लियरिटी सुपर है बिल्कुल प्रोजेक्टर की। और वॉइस भी इनफ है बिल्कुल। TSLT 35A मॉडल है, 10,000 लुमिनेंस की ब्राइटनेस है। आप प्रोजेक्टर से छोटे में छोटा 50 इंच और बड़े में बड़ा 600 इंच तक का स्क्रीन साइज बना सकते हैं। बेस्ट प्रोजेक्शन साइज जो है 350 इंच से लेके 400 इंच तक के बीच का है। एंसा इल्यूमिनेंस जो है 2500 लुमेंस है। कनेक्टिविटी में आपको दो USB, दो HDMI, AV, AUX और इंटरनेट लैन केबल, ये सब कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और ये वीडियो जो है मैंने USB से प्ले किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखिए ये सब सेटिंग भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। और आपका कलर सेटिंग जो है सबसे एंड में यहाँ आ जाएगा नीचे साइड में, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड पे सेट है। अभी आपको यहाँ पे डायनामिक सेटिंग मिल जाएगा, सॉफ्ट दिया हुआ है, विविड दिया हुआ है, और यहाँ यूज़र दिया हुआ है। ओके, यूज़र मोड यहाँ आपको मिल जाएगा देखने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेटिंग करके चला सकते हैं इसे। साउंड सेटिंग तो नॉर्मली जो आता है वही आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ओके, क्लियरिटी सुपर मिलेगी आपको, सुपर एक्सपीरियंस होगा प्रोजेक्टर में। प्रोजेक्टर का प्राइस 25,000 रुपये लेटेस्ट प्राइस अभी जो प्राइस है, और 1 ईयर वारंटी के साथ में प्रोजेक्टर मिलता है। कैश ऑन डिलीवरी भी ऑल इंडिया में अवेलेबल है। आप कैश ऑन डिलीवरी के लिए भी या जो भी जानकारी आपको चाहिए हो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक कभी भी कॉल मैसेज आप मुझे कर सकते हैं।
और इसमें जो है प्रोजेक्टर में आपको ARC का जो मोड होता है वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको HDMI पे भी कुछ कनेक्ट नहीं है, बस सिर्फ फीचर्स दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ। ओके, तो आपको जो है यहाँ पे ARC का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये देखिए, अभी HDMI लगा नहीं है, पर यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, नीचे नीचे साइड में देखेंगे ना आप, मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ये सबसे नीचे साइड में ARC का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप जो है इसमें, ये देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जो है 5.1 मूवी भी प्रोजेक्टर पे प्ले कर सकते हैं डॉल्बी ऑडियो की। ओके, तो ये फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाएगा। और प्रोजेक्टर में आप ऐप्स देख सकते हैं, मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको बोल रहे हैं कि सर हमको इस ऐप इंस्टॉल करके ही दीजिए जो आपने वीडियो में दिखाया है। एक्चुअली कस्टमर को इससे पहले मैंने ऐप इंस्टॉल करके दिए थे ये, तो सेम इंस्टॉल यहाँ कर रखा है मैंने प्रोजेक्टर में, और ये मैं वो सर को भी भेज रहा हूँ, और एक डेमो के तौर पर यूज़ इसको एक वीडियो बना रहा हूँ इसका, और ताकि और भी मेरे कस्टमर देख लें। ओके, और यहाँ पे देखिए आपको ये सब ऐप्स देखने के लिए मिल जाएगा। ये मैंने इसमें रेड एंड ब्लू 3D के लिए जो है डायम प्लेयर जो है यहाँ डाउनलोड कर रखा है मैंने। ओके, तो इसमें जो है अभी तो फ़िलहाल डायम प्लेयर है इसमें, मैं आपको एक सेकंड वीडियो दिखा दे। जैसे हम इसमें कोई वीडियो प्ले करते हैं, ये वीडियो प्ले हो गया है, तो हमें इसमें जो है यहाँ SVA 3D का ऑप्शन मिल जाता है प्रोजेक्टर के अंदर। ठीक है, लेफ्ट SVA 3D मूवी अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने पास से दे दूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं रेड कैन पे यहाँ पे सेट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे ना आप, यहाँ पे ये रेड कैन पे सेट है, और यहाँ लेफ्ट एंड राइट 3D कर देना आपको। ओके, तो यहाँ पे जो SVS 3D है आपका रेड एंड ब्लू 3D इफेक्ट देने लगेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इसमें डायम प्लेयर भी मिल जाएगा जिससे आप 3D मूवी प्ले कर पाएंगे। और अभी जो है मैं इसको होम स्क्रीन पे ले जाता हूँ। यहाँ VLC प्लेयर भी है, VPS ऑफिस भी डाउनलोड कर रखा है मैंने। ठीक है, और यहाँ जो है आप देख सकते हैं MX प्लेयर भी डाउनलोड कर दिया है, और मैंने इसके अंदर गूगल क्रोम भी डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, बाकी ये सभी ऐप्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए हो या डिटेल आपको जो भी चाहिए हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।